हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एली प्रभा। वैसे आप इस मॉल में कई बार विजिट कर चुके होंगे, मगर यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन है मिस्टर डीआईवाई करके। तो एंट्री करने पे ही मुझे दिख गए हैं ये रैक्स, जो कि काफ़ी अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं, बट ये थोड़ा सा प्राइसी लग रहा था मुझे। आप देख सकते हो 610 का, सिर्फ दो सेक्शन है उसमें। और आगे जाने पे ये कुकी कटर्स थे जिनकी प्राइस स्टार्ट थी 136 रुपीज़ से, और भी बेकरी से रिलेटेड सारे चीज़ें थी। फिर ये कॉफ़ी मग्स दिखे जिनकी प्राइस 65 रुपीज़ से स्टार्ट थी, और काफ़ी अच्छे कलर्स और डिज़ाइन अवेलेबल थे। किचन के काफ़ी ज़्यादा सामान थे, वहाँ पे स्पैचुला भी था जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 71 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। और ये ऐसे कलछी वगैरह भी वहाँ पे थे, आप प्राइस देख सकते हो, सबकी प्राइस टैग लगी हुई होगी। किचन के सारे एक एक चीज़ मिल रही है वहाँ पर। वहाँ ऐसे एप्रन भी था जिसकी प्राइस सिर्फ 79 रुपीज़ थी। और ये हॉट पैड्स भी थे, इनमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे। उसके बाद से मुझे ये कटिंग बोर्ड दिखा जिसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस 71 रुपीज़ थी। माइक्रो फाइबर क्लोथ्स था जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। कलर्स भी आप देख रहे हो कितने अच्छे कलर है, पिंक, पर्पल, लेवेंडर कलर, ब्लू। और ये रग्स भी थे, तो रग्स 1000 के ऊपर थे, तो मैंने ज़्यादा इसमें कुछ देखा नहीं। उसके बाद आते हैं मिरर्स पे, तो मिरर जो काफ़ी सारी डिज़ाइन अवेलेबल थी इसकी, सबकी अलग अलग प्राइस थी। काफ़ी सारे शेप्स अवेलेबल थे, राउंड, रेक्टेंगल, ओवल शेप, ऐसे बहुत सारे। ये वाला मिरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और ऐसे प्लास्टिक्स में भी थे जिसकी प्राइस थी 47 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। और फिर आगे जाने पे मुझे ये सेक्शन दिखा जहाँ पे बहुत सारे वॉच थे, तो इनकी प्राइस 150 से स्टार्ट थी। और इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे वॉचेस थे, मतलब हर टाइप के बैंड्स में, चेन्स में, और मेल फीमेल दोनों के थे। और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो इससे अच्छे वॉचेस आई डोंट थिंक ये कहीं पे मिलेंगे। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही थी। स्पोर्ट वॉच और ऐसे फिटनेस बैंड भी अवेलेबल थे वहाँ पर, और काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। बाकी ये मोबाइल एक्सेसरीज़ सारी अवेलेबल थी वहाँ पे, जैसे कि डेटा केबल और ब्लॉगिंग से रिलेटेड मोबाइल स्टैंड, और ये सारे गैजेट्स भी अवेलेबल थे वहाँ पर, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। आईफोन के बैक कवर्स भी थे वहाँ पे अवेलेबल, जो कि 150 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, और काफ़ी कूल कलर्स और डिज़ाइंस वगैरह बहुत अच्छी थी। ये टॉफी वाला मेरा फेवरेट था, बट मेरे पास नहीं है आईफोन, तो आई कांट बाय। और उसके बाद से ये हुक्स थे जिनकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी, आप देख रहे हो 45-30 ऐसे रुपीज़ करके थे। और ये बॉटल्स थी जो कॉपर वाली 1000 और ऐसे के आसपास थी, और ये वाली तो काफ़ी सस्ती मिलती है, तो ये सारी बॉटल्स भी थी, 50 रुपीज़ वाली बॉटल्स भी अवेलेबल थी। और ये ब्रश, ऐसे करके ब्रश थे, काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी ब्रशेस की, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो एक बार जाकर। सनग्लासेस का भी एक सेक्शन था जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, 81 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। और सनग्लासेस के कवर्स भी अवेलेबल थे वहाँ पर, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्राइट और पेस्टल कलर्स के हेयर बैंड्स अवेलेबल थे, आप देख सकते हो कितने अच्छे कलर्स हैं, और जिनकी प्राइस आई गेस 20 रुपीज़ से स्टार्ट थी। काफ़ी सारे कलर्स और वैरायटीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे, पेस्टल कलर्स थे, डार्क कलर थे, ब्राइट कलर्स थे, और डिज़ाइंस की तो बात ही क्या करनी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थी उनमें। और ऐसे स्क्रंचीज भी मिल रही थी जिनकी प्राइस आप देख सकते हो 20 रुपीज़ है सिर्फ। ऐसे क्लचर्स के पेयर्स भी अवेलेबल थे जो आप देख सकते हो 43 रुपीज़ के हैं, ऐसे चार क्लचर्स हैं उसमें छोटे छोटे, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है हेयर को स्टाइल करने में, ऐसे 39 रुपीज़ के हेयर बैंड्स। और ये स्टोरेज बॉक्स था जो कि कुछ वुडन टाइप का था, इसकी प्राइस थी 139 रुपीज़, इसमें छोटा भी अवेलेबल था जिसकी प्राइस 47 थी।
और बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस और इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे, ऐसे प्लास्टिक्स में भी ऐसे बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स थे। और एक वहाँ पे मुझे ऐसे ये कॉपर का दिखा था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। और इस टाइप में भी आप देख सकते हो, इस टाइप के भी स्टोरेज बॉक्स थे जिनमें आप अपना मेकअप या फिर और कोई सामान चाहो तो रख सकते हो। और एक ये सेक्शन था जो कि बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग था और प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। पर्ल्स में, स्टोन में और फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस थे हेयर क्लिप्स के। आप देखो कितने अमेजिंग हैं ये। और फिर ये ऐसे सेफ्टी पिन भी थे फ्लावर टाइप के। और नेक पीसेस आप देखो सिर्फ 79 रुपीज़ में, इतने ज़्यादा एस्थेटिक, इतने ज़्यादा ऑथेंटिक। और फिर ये इयररिंग्स थे, यू अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, 30 रुपीज़ में 6 पेयर मिल रहे थे इयररिंग्स के, जो कि स्टड्स में थे 30 रुपीज़ में। और ऐसे 50 रुपीज़ के 12 पेयर्स भी अवेलेबल थे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था सच में। और सब बहुत अच्छे थे, ये वाला मेरा फेवरेट इयररिंग था वहाँ पर। और हेयर बैंड्स भी अवेलेबल थे, आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटीज़ है वहाँ पे। बैग्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था और काफ़ी प्राइजी भी थे, तो हैव अ लुक प्लीज़, आप लोगों के लिए ही है ये। आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो एक बार वहाँ पर जाकर। और ये सबसे फेवरेट सेक्शन है, ओह माय गॉड, इसमें मिरर्स, इतने ज़्यादा क्यूट क्यूट मिरर्स थे। और प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ से स्टार्ट थी और काफ़ी कंपैटिबल साइजेस अवेलेबल थे, जो कि आप अपने इवन पॉकेट में भी रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो छोटे से पर्स में। और ऐसे ब्लेंडर्स अवेलेबल थे पेयर्स में, जिन जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे थे। ऐसे 89 रुपीज़ में 6 पेयर्स अवेलेबल थे। पाउडर ब्रश था, मैनीक्योर सेट था, और ऐसे ये 47 रुपीज़ में ब्रश क्लीनर और ब्लेंडर का एक पैक था कॉम्बो में। और उसके बाद से पाउडर ब्रशेस आप देख सकते हो कितने सारे अवेलेबल हैं सिर्फ 47 रुपीज़ में। ये फेस ब्रश अवेलेबल था 140 रुपीज़ का और काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे इसमें भी। 59 रुपीज़ में ये ब्लेंडर और पाउडर ब्रश का पूरा पैक है। और 21 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे ये ट्रांसपेरेंट ब्रा स्ट्रैप्स, और ये लेंसेज भी मिल रहे थे, आई गेस ये 35 रुपीज़ के थे। आई लैशेज अवेलेबल थे जो कि बहुत सही प्राइस पे मिल रहे थे ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा मैंने चेक किया है, महंगे हैं। और ये पेयर्स में भी अवेलेबल थे। और ऐसे ये 40 रुपीज़ के हेयर कलर्स मिल रहे थे, कॉटन पैड्स मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और 69 रुपीज़ में ऐसे कॉम्बो या फिर सिंगल ब्रशेस थे, मेकअप ब्रशेस, और पूरा सेट भी था जो कि काफ़ी सही प्राइस पे मिल रहा था। और ये DIY अगर आपको कोई पैक बनाना है तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी। और फेस फ्रीज़र तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, तो उनकी प्राइस भी काफ़ी सही थी, 47 रुपीज़ से स्टार्ट थी। मेकअप में आईलैश कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी अवेलेबल था, 53 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो रही थी उसकी। उसके बाद से वहाँ पे सारे ग्रूमिंग टूल्स अवेलेबल थे, जैसे कि आईब्रो प्लकर, ट्वीज़र हो गया, बफर हो गया, सीज़र हो गया, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पर। और ऐसे दो रेज़र का सेट था, बाहर लेने जाओ तो एक सिंगल रेज़र आपको 60 रुपीज़ का मिलता है, तो ये बहुत अच्छी डील थी।